इस बार नानी के घर जाने के लिए टिकट कंफर्म हो पाएगी या नहीं, या फिर इस बार के आईपीएल क्रिकेट मैच में आरसीबी जीतेगी या फिर राजस्थान रॉयल्स, क्या चांसेस है, और इस बार के बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आने वाले हैं। वेल, इन सब चीजों के होने की कोई गारंटी तो नहीं है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी जरूर है। सो बच्चों, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां मैं आपको सिखाने वाली हूं हर एक एस्पेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हम अपनी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं हर रोज यूज करते हैं। वेल, प्रोबेबिलिटी इतना अमेजिंग और इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आई एम श्योर इस लेक्चर के बाद आपका प्रोबेबिलिटी से प्यार जरूर जग जाएगा। वेल, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को विथ अवर वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सिंपल, probability is nothing but the chance of happening of something, simple भाषा में बोला जाए तो। मतलब आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, एग्जाम में मैं 90% above ला पाऊंगी या नहीं ला पाऊंगी, तो इन सब चीजों के होने के कितने chances हैं, ये हम mathematically कैसे बताते हैं, probability के साथ। So yes, let's learn about it. Now probability, आप class 7 से पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 11 में आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में तो सुना ही होगा। हम कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी? इट इज नथिंग बट द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का। अब आप बोल रहे हो कि मैम इतना भी सिंपल नहीं होता है, स्पेशली इन क्लास 12। आई नो, बट प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली में है तो बस इतना सा ही फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में कुछ टर्म्स मैंने यूज किए, आउटकम्स, इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स, ये होते क्या है, जब तक हम वो नहीं समझेंगे तो प्रोबेबिलिटी कैसे समझ में आएगी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर को शुरू से एंड तक देखिए और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप बेसिक से लेकर एडवांस तक कम्प्लीटली समझ जाने वाले हैं, और आपको मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिल योर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ठीक है। सो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, द सम स्पेशल टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइक इवेंट्स, आउटकम्स, देन वी हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देन वी विल लर्न अबाउट आवर वेरी स्पेशल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्म्स होते हैं, बेसिक टर्म्स होते हैं। नंबर वन, इवेंट। इवेंट क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं इवेंट 100 बार यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो इवेंट आपने कहाँ सुना होगा, एनुअल फंक्शन का इवेंट, वेडिंग इवेंट है ना, या फिर एंगेजमेंट का इवेंट। इवेंट इज सम अदर फंक्शन हैपनिंग, समथिंग हैपनिंग, दैट इज व्हाट इज इवेंट। सो फॉर एग्जांपल, वेल प्रोबेबिलिटी को समझने के तीन सबसे अच्छे तरीके होते हैं, एक होता है डेक ऑफ कार्ड्स, एक होते हैं हमारे कॉइंस, एंड थर्ड वन आर द डाइस, ठीक है। इनसे हम प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, राइट। तो चलो इवेंट हम इस कॉइन के थ्रू समझते हैं। अब कॉइन के होते हैं दो पहलू, एक होता है हेड, एक होता है टेल, राइट। और अगर मैं कॉइन टॉस करूं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो बेसिकली कॉइन को टॉस करना इज एन इवेंट, राइट। और यही पे आता है हमारा सेकंड टर्मिनोलॉजी, आउटकम। जब मैंने एक इवेंट परफॉर्म किया, कॉइन को टॉस करना, उसका एक आउटकम आया। क्या आउटकम आया? वेल, हेड आया है फिलहाल, तो ये हेड क्या हुआ, आउटकम ऑफ दिस इवेंट। सो आउटकम क्लियर है सबको? तो जब भी हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, हेड या फिर टेल, दो ही आउटकम्स आ सकते हैं। सिमिलरली जब मैं डाइस रोल करती हूँ, ठीक है, लूडो तो सब सबने खेला होगा है ना, तो जब हम डाइस रोल करते हैं तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ सकता है, नहीं आ सकता, सो दे आर नॉट द पॉसिबल आउटकम्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक डाइस रोल किया है और ये बताइए कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने 6 आउटकम यहाँ पे लिखे हैं, उसमें से आप बताओ कि कितने ऐसे फेसेस हैं डाइस के जिसमें 6 लिखा है। सिर्फ एक ही फेस है जिसमें 6 लिखा है, तो अगर मैं एक बार डाइस रोल कर रही हूँ तो 6 आने के सिर्फ एक चांस है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ इस इवेंट का 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल,
either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6, total 6 outcomes. So denominator mein aa gaya 6, to probability of getting a 6 on a single throw of dice is 1/6. Ye ho gayi bilkul basics of probability. So probability mein do important terminology jo hum use karne wale hain, ek ho gaya hamara event aur dusra ho gaya hamara outcome, theek hai. Teesra important terminology, sample space. Now what is a sample space? It is nothing but a set of sets padha hai na, kya hota hai set? Collection, a collection of all the possible outcomes. So once again deck of cards se samajhte hain. So deck of cards har kisi ne dekhe, theek hai. To iske sare possible outcomes kitne honge? Total 52. Kon kon se honge? So it will be like 6 of hearts, 6 of spades, then 7 of club, 7 of hearts. So there are total 52 possible outcomes. So set of all the outcomes is your sample space. अब इसमें से मैं बोलूं कि आपका जे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि इस पूरे सैंपल स्पेस में 52 कार्ड्स हैं और इन 52 कार्ड्स में देयर आर टोटल 4 जे कार्ड्स. सो प्रोबेबिलिटी हो गई 4 आउट ऑफ 52, राइट? सो आवर सैंपल स्पेस इज व्हाट? अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, राइट? सो दैट इज आवर सैंपल स्पेस, द थर्ड टर्मिनोलॉजी. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, you are not going to use any other such terms. Now let's quickly jump on to some different type of events that we have. ठीक है? So events के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे chapter में आप बहुत different type of events के ऊपर study करने वाले हैं and उनका real life में application भी सीखोगे. ठीक है? तो सबसे पहले let's learn about mutually exclusive events. Now what are these events? कभी कभी ऐसे इवेंट्स होते हैं, मान लो हमने दो इवेंट परफॉर्म किए और जब हम इन दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात की श्योरिटी होती है, गारंटी होती है कि अगर ये हुआ तो ये नहीं होगा, ये हुआ तो ये नहीं होगा. ऐसा कब होता है? सोचो सोचो सोचो. अरे सिंपल, कॉइन को टॉस करने में. कॉइन को टॉस किया एक बार, कॉइन को आउटकम देखा. सो अगर आपका आउटकम है हेड, तो मैं आपको बोलूं कि टेल आने का आउटकम और हेड आने का आउटकम, क्या वो एक साथ पॉसिबल है? नहीं, एक साथ पॉसिबल नहीं है. या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं. तो अगर मैं बोलूं इवेंट ए है हेड, इवेंट बी है टेल, सो इवेंट ए एंड इवेंट बी आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिकॉज इट इज नेवर पॉसिबल दैट दे विल ऑकर together. Understood everyone what is mutually exclusive events? Now similarly there is another type of events, that is independent event, jo bahut interesting hote hain, but for that you have to wait for lecture number 2. To jaiyega kahi mat, lecture number 2 zarur dekhiyega tomorrow. All right, now let's learn about a very special type of probability which you use in your daily life a lot. Kaise? एक सिंपल से रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? वेल, मान लेते हैं कि आपका दिल आ गया है एक बहुत ही खूबसूरत से मजेदार से नाइकी शूज पे. ठीक है? अब नाइकी के शूज है, महंगे तो होंगे, तो अब क्या करें? मम्मी पापा को किसी तरह हमने कन्विंस कर लिया कि प्लीज चलते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है वो नाइकी के शूज, तो आप जाने वाले हैं उसको खरीदने के लिए. ठीक है? खरीदने के चांसेस क्या है? 50-50. या तो पापा एग्री करेंगे या तो पापा एग्री नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि अगर बहुत महंगा हुआ तो मतलब बहुत ज्यादा पसंद है तभी पापा खरीदेंगे, वरना वो मना कर देंगे. यही होता है ना? बट सडनली आप, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर नाइकी के पास रजिस्टर्ड है और आपको मैसेज आता है कि आज नाइकी के आउटलेट पे 70% का डिस्काउंट है, तो क्या आपकी प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी? वेल, आई एम डेफिनेटली श्योर कि नाइकी के शूज पे अगर 70% डिस्काउंट मिल रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी और आपके पापा के खरीदने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बदलने वाली है कि व्हाई नॉट, हु डजंट वांट अ नाइकी शू, है ना? तो ये तो बस एक एग्जांपल हो गया. मतलब नाइकी शूज के बदले आप चाहो कि किसी ड्रेस की बात कर लो, किसी पर्स की बात कर लो, किसी स्कूल बैग की बात कर लो, एनीथिंग. तो जब आपको अचानक से डिस्काउंट मिल जाता है तो आपकी खरीदने की प्रोबेबिलिटी बदल गई, है ना? प्रोबेबिलिटी किस वजह से बदली? एक
इवेंट के होने की वजह से, एक कंडीशन की वजह से बदल गई, राइट? सो दैट इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आपका कोई इवेंट किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, देन वी कॉल इट एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो नाउ लेट्स लर्न conditional probability in detail with lots of important questions and previous year question examples and some properties of conditional probability. So guys, now let's learn about conditional probability in a little detail. ठीक है, so आज lecture 1 में जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने introduction of probability देख लिया, अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून टिल द एंड। नाउ एज यू नो दिस चैप्टर इज सुपर इम्पॉर्टेंट एज बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आपका रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि 6 to 8 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले 2-4 मार्क्स से क्वेश्चन आते थे, बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि इससे ज्यादा भी पूछा जा सकता है। तो why to leave any topic and any chance to score 100 on 100, right guys? So yes, आज के सेशन में आपके सारे कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के क्लियर हो जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको डेफिनेट इंप्रूवमेंट दिखेगा और बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि हम करने वाले हैं ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑलराइट बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में बताया था कि व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो इट इज बेसिकली जब एक इवेंट किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, किसी एक इवेंट पे डिपेंड करता है, तो हम उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, राइट? अब मैथमेटिकली हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे डिनोट करते हैं? सो लेट अस सपोज दैट देयर आर टू इवेंट्स, इवेंट ए एंड इवेंट बी, सच दैट इवेंट ए जो है वो इवेंट बी के होने पर डिपेंड करता है। इवेंट बी जो है वो ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, देन the conditional probability is calculated as probability of event A given event B has already occurred. इसको हम कैसे pronounce करते हैं? A given B. Okay? How is it calculated? It is nothing but probability of A intersection B. Why? A intersection B क्या होता है? कि A और B दोनों हो रहे हैं, है ना? अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि बी इवेंट जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलक्युलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। क्लियर टू एवरीवन? सो दैट वाज योर फॉर्मूला। लेट मी जस्ट राइट इट वंस अगेन। ए गिवन बी इज probability of A intersection B when we have already calculated the probability of happening of event B. Done? चलिए अब conditional probabilities की कुछ special properties होती हैं depending upon some special conditions. Now let us suppose हम A and B two events की बात कर रहे हैं जो sample space S के अंदर आते हैं, ठीक है? So what will be the probability of sample space S when B has occurred? Very simple. अगर हम formula apply करें, so probability of sample space S when B event has already occurred is nothing but probability of formula, same formula apply करिए, S intersection B upon probability of event B. Now sample space क्या होता है? Complete आपका space, है ना? Sample space is the complete set of events you are doing. इस sample space के अंदर हमारा एक event है B, तो आप खुद सोचो B intersection S क्या होगा? This area itself. So B intersection S is nothing but B. So probability of B divided by probability of B will be equal to 1. So this is what the formula is trying to say. Understood? Next property हमें ये बोलती है कि if there are two separate events A and B inside a sample space S and F is an event again in the sample space S such that probability of F is not equal to 0, then we can say that probability of A
यूनियन बी। सुना हुआ लग रहा है? सुना है यार, पढ़ा भी है आपने सेट्स वाले चैप्टर में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन इवेंट एफ हैज हैपेंड विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ। अब ये सुना हुआ कहीं लग रहा है? सेट्स में हमने रूल पढ़ा था कि ए यूनिवर्सल बी इज नथिंग बट ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना? ओ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस क्यों करते हैं? थोड़ा सा वेन डायग्राम याद करिए। ए एंड बी अगर दो इवेंट्स हैं, दो सेट्स हैं और इनका यूनिवर्सल निकाल रहे हैं यानी टोटल निकाल रहे हैं हम, तो टोटल में क्या होगा? ये पूरा ए का सेक्शन, ये पूरा बी का सेक्शन। बट जब हम पूरे ए और बी को ऐड करते हैं तो क्या होता है? ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है वो दो बार ऐड हो रहा है, एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ, इसलिए हम उसको वन टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड दैट इज द सेम थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर, डोंट यू अग्री? सो ये रही हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज what will be the probability of not happening of event E when event F has occurred? Complementary events सुना है आपने, है ना, कि बारिश होगी बारिश नहीं होगी। अगर बारिश होगी तो बारिश नहीं होगी event possible नहीं होते, है ना? So they are absolutely mutually exclusive events here. Now similarly अगर मुझे calculate करना है not happening of E तो मैं कैसे calculate करूंगी? Nothing but नॉर्मली हम जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि पी डैश ई इज वॉट वन माइनस पी ई, सिमिलरली सेम फॉर्मूला हम यहां अप्लाई कर रहे हैं, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एफ ई गिवन एफ। सो वाई ई डैश गिवन एफ? क्योंकि एफ इवेंट हो चुका है, हम यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एंड इट विल बी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। सिंपल, द सेम फॉर्मूला, इट्स जस्ट दैट गिवन एफ एड हो गया है। तो ये थी हमारी तीन प्रॉपर्टीज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सब आपने बता तो दिया है, ये सब यूज कहाँ करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है? तो इतना मत सोचो, सब कर लोगे आप, ठीक है? बस एक लास्ट नोट, एक पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा कि कभी कभार हो सकता है सीबीएसई आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स। डिसजॉइंट इवेंट्स क्या होते हैं? कि ये दोनों इवेंट के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अगर इंटरसेक्शन नहीं होगा तो इनका यूनिवर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करोगे। नाउ गिवन एफ कंडीशन है क्योंकि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है इसलिए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ वाला टर्म नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इंटरसेक्शन वाला टर्म बस हट जाएगा क्योंकि दे आर डिसजॉइंट इवेंट्स, उनका कोई इंटरसेक्शन नहीं, ठीक है? ओके, चलिए क्विक चेक टू द नॉलेज एप्लीकेशन की जो अभी हमने सीखा है उसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 4/13। इवेल्युएट ए गिवन बी, कैसे कैलकुलेट करोगे? चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि पूछ रहा है ए गिवन बी। फॉर्मूला क्या होता है? इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्योंकि बी हो चुका है, है ना? नाउ पुट एवरीथिंग, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? 4/13 डिवाइडेड बाय व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? 9/13। जस्ट डिवाइड इट, व्हाट विल यू गेट? सो दिस इज नथिंग बट 4/13 इंटू 13/9, राइट? 13 कैंसिल, योर आंसर इज सिंपली 4/9। So, how much you are getting? You are getting P, A given B is 4/9. That's so simple, है ना? One mark से पूछ सकता है, definitely पूछ सकता है, prepared रहिएगा। चलिए अब हम solve करते हैं previous year board exam question, यानी कि complete idea आपको मिल जाएगा कि किस type के question आपके board exam में आने वाले हैं। Question number one on your screen. Evaluate P, A union B if 2P is given equal to
पीबी सॉरी टू टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज 5/13 एंड यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. ठीक है भाई. ओ सॉरी यू हैव पी ए गिवन बी, यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी. यूनियन यानी कौन सा प्रॉपर्टी? सेकेंड वाली प्रॉपर्टी याद है, ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना. तो हमें क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी. वो कहां से मिलेगा? वो यहां से मिलेगा. ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमें यहां से मिलेगा. तो फॉर्मूला में सब कुछ पुट करते हैं. सबसे पहले तो हमें ये दिया है, टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/13. दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 5/13 डिवाइडेड बाय 2. जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 था वो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज 5/26, है ना. 13 2s are 26. नाउ इट इज ऑल्सो गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/13. सिंपली नोटिंग डाउन द गिवन पॉइंट. ठीक है. अब सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है. कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे पी ए गिवन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ए गिवन बी क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. नाउ दिस इंप्लाइज दैट व्हाट इज पी ए गिवन बी? 2/5. चलिए यहां नहीं, इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो लेट मी जस्ट पुट द फॉर्मूलाज हियर. व्हाट इज पी ए गिवन बी? 2/5. इट इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. हाउ मच इज पी बी? 5/13. ओके. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट 2/5 × 5/13, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू पी बी, तभी आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी. 5 5 कैंसिल, यू गेट 2/13. नाउ सिंपली फाइंड आउट ए यूनियन बी. ए यूनियन बी कहां से आएगा? वी नो द फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी नंबर 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. तीनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं. पी ऑफ ए हमने कितना कैलकुलेट किया था? 5/26. पी ऑफ बी 5/13, क्वेश्चन में दिया हुआ है. पी ए इंटरसेक्शन बी अभी कैलकुलेट किया हमने, 2/13. एलसीएम लगाइए, वैल्यू निकालिए. सो द एलसीएम विल बी 26. सो इट विल बी 5 + 10/26 - 4/26. सो दिस इज नथिंग बट 5 + 10 = 15, 15 - 4 = 11. सो 11/26. दैट इज द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी. दिस इज योर आंसर, 11/26. सिंपल. हाउ सिंपल? सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है ये. मजा आ गया भाई, इतना आसान क्वेश्चन आने वाला है और हम इसे छोड़ के जाना तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना. चलिए एक सिमिलर क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें किसी और वे में ट्विस्ट करके पूछ लिया होगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपको सीबीएसई 2022 का पेपर दिया गया है और इसमें पूछा गया है, लेट ए एंड बी बी टू इवन सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/8, बी इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज 3/4, फाइंड बी गिवन ए. वेरी सिंपल. जब भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पूछ रहा है, दिया है और पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही गैप होता है, या तो पी ए नहीं पता होगा, या तो पी बी नहीं पता होगा, या तो पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता होगा, है ना. इन तीनों में से कोई एक मिसिंग वैल्यू दी होगी और अल्टीमेटली पी बी बाय ए निकाल रहा होगा. तो पहले ए गिवन बी से हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और फिर ए इंटरसेक्शन सी से बी गिवन ए निकालेंगे. ठीक है. सुनने में टफ लग रहा है, करने में बहुत आसान है. सिंपली जस्ट राइट डाउन पी ए गिवन बी इज 3/4. आई नो ए गिवन बी का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना. जो सेकेंड वाला इवेंट होता है वही डिनोमिनेटर में आता है. ठीक है. दिस इज 3/4. सो probability of A intersection B is 3/4 into probability of B. How much is this? So probability of A intersection B is
3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, है ना, यहाँ पे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, सो दिस इज 3/8, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं, अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवेन ए, उल्टा कर दो, उल्टा करने से बस क्या बदलेगा, डिनोमिनेटर बदलेगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, है ना। पुट इट, ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आया, 3/8, सो 3/8 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/8, सो दिस इज नथिंग बट 3/8 इंटू 8/5, 8/8 कैंसल, द आंसर इज 3/5, डन। हाउ इजी, 2022 के क्वेश्चन पेपर में आया था पिछले साल, इतना आसान सवाल कि मजा आ जाए, है ना। चलो भाई, सिमिलरली लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज हो रही है, हर प्रॉपर्टी का यूज सीखना है ना भाई हमें, तो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज हो रही है। सिंपली आपसे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यानी कि पी डैश ए इज गिवन 0.7, नो प्रॉब्लम। इफ पी डैश ए इज 0.7 दैट मीन्स 1 - PA इज 0.7, नॉट हैपनिंग ऑफ ए इज 0.7, सो हैपनिंग ऑफ ए विल बी 1 - 0.7 यानी कि 0.3। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिया है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो किया था वापस हम वहां पहुंच गए, ठीक है। सो पी ए पता है, पी बी पता है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए, क्योंकि बी गिवन ए है तो डिवाइडेड बाय पी ए होगा, ठीक है। सो अगेन पी बी गिवन ए इज हाउ मच, 0.5, सो 0.5 इंटू पी ए इज पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। सो दैट मीन्स वॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.5 इंटू 0.7, सो यू आर गेटिंग 0.35, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी आ गया तो इसके बाद हम ए बाई बी निकाल लेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज हाउ मच, सेम प्रोसीजर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो वट इज ए इंटरसेक्शन बी, अभी अभी हमने निकाला 0.35 डिवाइडेड बाय पी बी, हाउ मच इज पी बी, 0.7, जस्ट डिवाइड इट, सो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज 0.35 डिवाइडेड बाय 0.7। डेसिमल्स अगर किसी बच्चे को सिंप्लीफाई करना नहीं आता है, सिंपली आप उसे 10, 100 यानी कि बेसिकली जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया करिए ताकि आपका काम आसान बन जाए। सो ये क्या बन जाएगा, 35/70, 35/70 क्या होता है, 1/2 यानी 0.5, दैट इज योर आंसर। 2019 का व्हाट एन इजी क्वेश्चन, है ना। द ओनली ट्विस्ट वॉज कि आपको नॉट ए का फंडा पता होना चाहिए था, अगर नॉट ए का फंडा पता है तो आगे कुछ नहीं है, हलवा है बिल्कुल पूरा क्वेश्चन, है ना। चलिए भाई, तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एंड आई नो कि आपको जो सबसे ज्यादा डाउट आते हैं वो आते हैं हमारे अपने खुद के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी भी कम खतरनाक नहीं है। तो डोंट वरी, कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, आपकी सारी दुविधा को दूर करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, बी इज गिवन, बी गिवन ए इज गिवन, सो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, सेम थिंग वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू पी ए, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से उठा लिया मैंने, ठीक है। सो वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवेन ए, 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, 8 × 4 = 32 आ गया पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 निकालो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा? नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5, ओके 0.5 डिवाइड तो नहीं होगा, सो हमारा आंसर आ रहा है 32/50, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. क्या किया? ए इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड किया. ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने कैलकुलेट किया था, है ना, और ये रहा हमारा पीबी, सो 0.32 को 50 से डिवाइड कर देंगे. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, पार्ट थ्री. पार्ट थ्री के लिए स्पेस नहीं है क्या यहाँ पे? ए यूनियन बी निकालना है, नो प्रॉब्लम. ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.5 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज 0.32. ये आप सॉल्व कर सकते हैं, आई एम प्रेटी श्योर क्लास 12 स्टूडेंट्स, सो जस्ट डू इट क्विकली. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1. गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी इज गिवन, पी एफ इज गिवन, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज गिवन, फाइंड ई गिवन एफ, एफ गिवन ई. वेरी सिमिलर क्वेश्चन, है ना? दिस इज लाइक वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन. व्हाट विल हैपन? ई एंड एफ इवेंट्स आर गिवन, देन simply p e given f will be p e intersection f upon p f. e intersection f कितना दिया है? 0.2. p f कितना दिया है? 0.3. आंसर आ गया 2/3. next, p f given e, once again p e intersection f अपॉन पी ई, डिनोमिनेटर में ई आ जाएगा, यानी 0.2 अपॉन पी ई 0.6, 2 3 6, आंसर आएगा 1/3. सिंपल, डन, दैट्स ऑल, दैट्स योर आंसर. ओके, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज. नाउ दिस इज एन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में डेफिनेटली आएगा. चूज द करेक्ट आंसर इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन 0. दे आर आस्किंग ए गिवन बी. अब आप बोलोगे मैम ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, तो ए गिवन बी कैसे निकालेंगे? जरूरत ही नहीं है. द आंसर इज सिंपली नॉट डिफाइंड. व्हाई इज इट नॉट डिफाइंड? क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालेंगे तो आप फॉर्मूला लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0, क्योंकि पी बी तो 0 दिया है. नाउ यू नो ए इंटरसेक्शन बी चाहे कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, डेसिमल हो, रैशनल नंबर, कुछ भी हो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड. दैट विल बी लाइक आवर सिंपल आंसर. एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड. सो ए गिवन बी इज नॉट डिफाइंड, दैट्स ऑल, राइट? ओके, चलिए अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर, जिससे बेसिकली आप आने वाले टॉपिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो. मतलब ये ऐसा थ्योरम है जो छुपे रुस्तम की तरह है, कहीं भी यूज आ जाएगा एंड यू विल बी लाइक ओ ये तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को पहचानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब आप कैसे पहचानोगे कि क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की बात कर रहा है? ओके, तो ये सारी चीजें हम आज सीखेंगे, टेंशन नॉट. और क्लास के एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि क्लास के एंड में मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल माइंड मैप सिखाने वाली हूँ इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, जिसके थ्रू आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम वंडरफुली रिलेट कर पाओगे एक दूसरे से, और एक प्रॉपर समरी भी आपको मिल पाएगी कि कई बार कंफ्यूज आते हैं यार कंडीशनल क्या थी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या था, इवेंट क्या था, ये क्या था, वो क्या था. तो सबको एक साथ अच्छे से समराइज भी करेंगे और माइंड मैप के थ्रू मेमोराइज भी करेंगे. वाह वाह, चलो. सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? रियल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं हम. चलिए, तो मान लेते हैं
आपको वन सेकेंड एक बैग दिया है, उस बैग में ढेर सारे ब्लू और रेड बॉल डाले, आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी में बैग वाला एग्जांपल कितना कॉमन है, ठीक है। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि आपने एक बॉल निकाला रेड कलर का, फिर बोल रहे हैं अब इस रेड कलर के बॉल को वापस मत डालो, एक और बॉल निकालो और मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस बार रेड आएगा। तो ये दोनों लिंक्ड है कि नहीं है? लिंक्ड है ना, क्योंकि पहले मैं रेड बॉल निकाला था मैंने, ठीक है, अब मैं दोबारा फिर से एक बॉल निकाल रही हूं, बट इस बॉल को मैंने रिप्लेस नहीं किया था उसमें, वापस नहीं डाला था उसमें। तो यहाँ पे मेरी सेकेंड टाइम जो मैं रेड बॉल निकाल रही हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी, है ना। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि फर्स्ट टाइम हो सकता है मैंने रेड बॉल निकाल लिया है पहले से, राइट, या हो सकता है नहीं निकाला है। तो यहाँ पे यूज आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ये बोलता है कि दो इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, एक साथ यानी पहला बॉल निकाला वो रेड निकला, दूसरा निकाला वो भी रेड निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। कैसे बताएंगे? दोनों इवेंट्स, फर्स्ट इवेंट एंड सेकेंड इवेंट, दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब भी कोई चीजें साथ में होती है तो हम उसे कैसे डिनोट करते हैं? वी सिंपली डिनोट इट एज ए इंटरसेक्शन बी, है ना। सो जब कोई इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं उनकी साथ में आने की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी एज पी ऑफ बी मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवेन बी। आप बोलोगे ओ माई गॉड मैम, ये इसका क्या मतलब हुआ, ये कहाँ से आया? वेल, ये कहीं से नहीं आया, जो पिछले 75 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए ना, वहां से देखा देखा नहीं लग रहा है क्या? अरे दिस नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। याद करिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी, ए गिवन बी इज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना, बी लिख दिया, पी बी, पी पी बी बी बोल बोल के जंबल हो गया हमारे लिए सब कुछ, है ना, टंग ट्विस्टर हो गया। अब यही पी बी जो है वो इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया और ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूले से हमने ये डिराइव किया, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम एक्सप्लेन कर रही थी तो आपको थोड़ा बहुत लगा होगा ना कि मैम ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे ही लग रहा है, आप कह रहे हो दूसरे बॉल के आने के चांसेस फर्स्ट बॉल पर डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड लग रहे हैं। हाँ दोनों लिंक्ड ही हैं। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इज नॉट जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ, बट इन अ मोर डेप्थ, इन अ मोर इंटरेस्टिंग एंड डेप्थ मैनर, जहां पे इसका और भी ज्यादा तगड़ा यूज होता है, ठीक है। चलो तो आगे इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि हमारी रियल लाइफ में भी हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहाँ लगाते हैं और इसके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू नोट इट डाउन दैट इफ एट ऑल 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का रेंज क्या है, या फिर कैन इट बी 2, 3 और समथिंग, वेल आई होप यू ऑल नो कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं होती है। 0 इज नल चांसेस, 1 इज 100% चांसेस। सो इम्पॉसिबल इवेंट और 100% श्योरिटी वाले इवेंट के अलावा और कोई, उसके बाहर और कोई वैल्यू नहीं होती है प्रोबेबिलिटी। तो ए गिवन बी भी 0 और 1 के बीच में ही आएगा, है ना। ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए विल बी ऑलवेज 1, है ना। ए इवेंट होने के चांसेस जब ए इवेंट हो चुका है क्या होंगे? 1 ही तो होंगे ना। जब ए हो चुका है तो उसके चांसेस 100% ही तो है, क्योंकि हमें पता है वो हो चुका है, वो होगा, तो फिर ए बाय ए विल बी 1। दैट्स सम टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। ऑलराइट, चलिए एक क्विक चेक करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के एप्लीकेशन का यूजिंग दिस वंडरफुल एग्जाम्पल, जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो डेक ऑफ कार्ड्स तो आप सभी ने देखे होंगे, है ना, अभी मैंने दिखाए भी थे आपको ये डेक ऑफ कार्ड्स जो होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपने 3 कार्ड निकाले हैं, ठीक है, आपने 1, 2, 3 कार्ड्स पिक किए सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो कार्ड निकाला उसको डेक में वापस नहीं डाला, उसको दूसरी जगह रख दिया, फिर एक कार्ड निकाला उसको दूसरी जगह रख दिया, ठीक है, तो वापस नहीं डाला। विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग एंड द थर्ड इज एस। प्रोबेबिलिटी कि पहला किंग आया, दूसरा भी किंग आया, तीसरा एस आया,
हार्ट है कि स्पेड है कि क्लब है कि डायमंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट किंग किंग एस आना चाहिए। तो इसको मैं शॉर्टकट में आपको लिख के समझाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देखना कितने आसानी से समझ जाओगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किंग के आने की, अगेन किंग के आने की और उसके बाद एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाते हैं। चलो सो के ए, जैसे हमें बोलता था ना के गिवन ए क्या होती थी उसकी प्रोबेबिलिटी, या के इंटरसेक्शन ए, तो दिस इज बेसिकली के इंटरसेक्शन ए। कैसे निकालेंगे, पहला हमें निकालना होगा कि पहले चांस में किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, पहले चांस में किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाएंगे, दूसरे चांस में किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन किंग आ चुका है पहले चांस में, तीसरे चांस में एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन इससे पहले दो किंग आ चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, तीनों की प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तीनों का होना जरूरी है। जब भी किसी मल्टीपल इवेंट्स में सबका होना जरूरी होता है तो हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड वाली बात है के किंग एंड किंग एंड एस, और नहीं है कि किंग या एस दोनों में से जो आएगा चल जाएगा, और नहीं है, एंड है। तो जहां पे भी हम एंड की बात करते हैं वहां हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले चांस में किंग आए, दूसरे चांस में किंग आए जब पहले किंग आ चुका है, तीसरे चांस में एस आए जब पहले किंग एंड किंग आ चुके हैं, क्या होगी प्रोबेबिलिटी। कॉमन सेंस इफ यू नो डेक ऑफ कार्ड्स, ऑफ कोर्स अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो पत्ते खेलने आते हो या ना आते हो, बट कार्ड्स के बारे में जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। वैसे पत्ते खेलना इज नॉट एट ऑल अ नेसेसरी टास्क एंड कैन बी प्लेड फॉर फन, बट डिस्क्लेमर दे रही हूँ मैम, पता चला कल आके बोलेंगे मैम आपके वजह से बच्चे ताश खेलना सीख गए, तो ताश मत खेलना सीख जाना, अभी बोर्ड की तैयारी करते हैं, ठीक है। सो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52, 52 में कितने किंग होते हैं चार, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार किंग आ चुका है और उसको हटा के तुमने रख दिया, अब कितने कार्ड बचे 51, एक हट गया ना, अब कितने किंग हो बचे तीन ही बचे, क्योंकि एक किंग तो हमने निकाल दिया ना, एक किंग निकाल दिया तो इसमें तो तीन ही किंग बचे, तो 3/51 इंटू एस निकालने की प्रोबेबिलिटी जब 50 कार्ड बचे हैं, क्योंकि ये दूसरा किंग भी हमने हटा दिया, अब टोटल 50 कार्ड बचे, 50 कार्ड्स आर लेफ्ट, आउट ऑफ दिस 50 कितने एस हैं, टू नहीं ले देना, पता चला 4, 3, 2, 1 कर रहे हैं, टू नहीं चार एस होंगे, एस इज ए बेसिकली, ठीक है। सो हाउ मेनी एस कार्ड्स विल बी देयर, देयर विल बी 4 एस कार्ड्स ना, एस वाले कार्ड अभी कितने हैं, चार बचे हैं ना, क्योंकि हमने तो किंग निकाला था, तो 4/50, नाउ दिस इज योर आंसर। 4 3 is 12, 12 4 is 48, so 48 upon 52 into 51 into 50, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आंसर, कर दूं मैं मल्टीप्लाई करूं, चलो ठीक है कर लेती हूँ आपके लिए, लेट्स डू द मल्टीप्लीकेशन। सो 52 इंटू 51 इज 52, 5 2 is 10, 5 5 is 25, 26, सो दिस इज 2652 इंटू 50 अगेन, सो 5 2 is 10, 0 carry over 1, 5 5 is 25, 26 carry over 2, 6 is 30, 32, 2 carry over 3, 5 2 is 10 and 13, and we'll have one more 0, so you are getting 48 upon, कहाँ गया, कहाँ लिखा था मैंने, गायब ही कर दिया मैंने जो लिखा था, हाँ 1 3 2 6 0 0, चेक कर लेना आप, मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही है, ठीक है। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, डन, ऑल ऑफ यू कैन डू इट, आई एम श्योर यू कैन, ओके। चलिए भाई अब बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन करें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें एक
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। वंस अगेन हम डेक ऑफ कार्ड्स की बात कर रहे हैं, बट हियर व्हाट वी आर डूइंग इज, आपने दो कार्ड्स निकाले, ठीक है। बेसिकली मैं दो बार ड्रॉ करूंगी, क्यों? देखो क्वेश्चन ने बोला गया कि आपने दो कार्ड निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, वही विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाल के हटा दिया, निकाल के हटा दिया, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज रेड एंड द अदर इज ब्लैक। तो आप बोलोगे मैम ये तो वही सिंपल हो गया कि एक बार रेड आया एक बार ब्लैक आया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। किसने बोला कि पहली बार में रेड ही मिला? हो सकता है पहली बार में ब्लैक मिला फिर रेड मिला। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दोनों प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करना होगा और दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके एड करना होगा। एड क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया था ना, और जब और का सवाल होता है तो एड करते हैं हम, या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना, या तो पहले रेड आएगा या तो पहले ब्लैक आएगा। तो यहां पे हम एंड की बात कर रहे हैं, यहां पे हम और की बात कर रहे हैं। तो सिंपल है बच्चों, जहां एंड की बात हो रही है मल्टीप्लाई कर दो, और की बात हो रही है एड कर दो। तो यहां पे ट्विस्ट यही था कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालने से काम नहीं चलेगा, फर्स्ट रेड देन ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक देन रेड, दोनों निकाल के दोनों को एड करना है, ठीक है, बन जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज रेड सेकेंड इज ब्लैक क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हेन रेड हैज हैपेंड, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन ब्लैक हैज हैपेंड। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। सो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? कितने हैं? 52 कार्ड्स है। 52 कार्ड्स में रेड कार्ड्स कितने होते हैं? हाफ हाफ, हाफ रेड हाफ ब्लैक। So, 52 का हाफ 26, सो बेसिकली 26 रेड कार्ड्स आउट ऑफ 52 टोटल कार्ड्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं? आप बोलोगे मैम 26, बिल्कुल सही, होशियार हो आप, 26 ही होते हैं, बट गिवन रेड इज टेकन आउट विदाउट रिप्लेसमेंट, रेड कार्ड मैं निकाल चुकी हूं, रिप्लेस नहीं किया मैंने, तो अब टोटल हो जाएगा 51, ठीक है, क्लियर है सबको। सिमिलरली फर्स्ट ब्लैक देन रेड, ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेड, जब भी ब्लैक निकल चुका है, ब्लैक निकल गया है तो बचे 51, लेकिन क्योंकि ब्लैक निकला है रेड नहीं निकला है तो अभी भी 26 रेड कार्ड्स बचे हैं। दैट इज योर आंसर फॉर द टोटल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 26 अपॉन 52 इंटू 26 अपॉन 51 प्लस 26 अपॉन 52 इंटू 26 अपॉन 51। सो दिस इज नथिंग बट टू टाइम्स ऑफ, एड करोगे तो दोनों का टू टाइम्स ही आएगा, है ना, क्योंकि सेम मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हो। सो टू टाइम्स ऑफ 26 अपॉन 52 इंटू 26 अपॉन 51। कैलकुलेट इट, योर आंसर विल कम। डन, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर? चलो भाई, हमें जरूरत थी, बाकी तो अपना रटा रटाया मेथड है, हमें पता है क्या होगा, कॉमन सेंस पता है बच्चों। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे हो ना कि मैम कैसे पता चल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन है कि कंडीशनल है कि क्या है, नहीं भी पता चला है ना, कॉमन सेंस लगाओ कि पहला अगर रेड कार्ड निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, दूसरा ब्लैक निकालोगे प्रोबेबिलिटी क्या हुई, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि दोनों का होना जरूरी है, तो मल्टीप्लीकेशन। और ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है, बस ये दिमाग में रखिए, फिर कुछ टफ नहीं लगेगा, ठीक है। चलो भाई, वन मोर क्वेश्चन 2020 के पेपर में जो आया था, वेरी सिंपल,
वेरी इंटरेस्टिंग, जो इससे पहले क्वेश्चन क्या था ना, कुछ कुछ वैसा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल की प्रोबेबिलिटी दी है, तो बेसिकली ग्रीन सिग्नल आने की प्रोबेबिलिटी दी है 30%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑन द क्रॉस रोड ऑन टू कॉन्जिक्यूटिव डेज आउट ऑफ थ्री, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अलादीन। तो ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि उसने बोला कॉन्जिक्यूटिव डेज, पर क्या उसने ये बोला कि पहले 2 दिन के बाद के 2 दिन, बोला ही नहीं, नहीं बोला, तो क्या करेंगे, दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो पहले 2 दिन में ग्रीन सिग्नल आया, तीसरे दिन नहीं आया, जी डैश, पहले दिन नहीं आया और बाकी 2 दिन ग्रीन सिग्नल आया, तो जी डैश जी जी। इन दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तीनों का होना जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रहा है 2 दिन तो होना ही है ग्रीन सिग्नल आउट ऑफ 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा, प्लस दिस, क्योंकि या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो पहले दिन ग्रीन सिग्नल होगा या तो पहले दिन ग्रीन सिग्नल नहीं होगा, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग, इसलिए हमें 2 अलग अलग टाइप की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। निकालो, क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सिग्नल इज 30%, 30% यानी 0.3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ग्रीन सिग्नल जी डैश इज 1 - 0.3 यानी कि 0.7। अब निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एंड व्हाट, जी 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 डैश, यानी इन तीनों के जी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन जी डैश क्या होगा, यू नो द फॉर्मूला, यू नो द ड्रिल, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सिग्नल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सिग्नल व्हेन ग्रीन सिग्नल हैपेंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन सिग्नल व्हेन टू ग्रीन सिग्नल हैपेंड। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम, बस लिखने का एक तरीका है, वैसे तो कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे, प्रोबेबिलिटी का बेसिक भी अप्लाई करोगे तब भी आप सेम आंसर ही निकालोगे, है ना। तो पहले दिन ग्रीन सिग्नल आया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0.3। दूसरे दिन भी ग्रीन सिग्नल आया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0.3। तीसरे दिन ग्रीन सिग्नल नहीं आना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0.7। कैलकुलेटेड, सो इट इज नथिंग बट 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63, सो इट इज हाउ मच, 0.063। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश जी जी, है ना। तो देखो मैं यहां पे लिख देती हूं आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, सो दिस इज जी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन जी डैश 0.063। नाउ सिमिलरली यू विल कैलकुलेट जी डैश यानी कि 0.7 इंटू 0.3 इंटू 0.3 वंस अगेन आएगा 0.063, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.063 प्लस 0.063, दैट इज टोटल 3 × 6, 6 × 12 यानी 126, 0.126 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूं, मैं यहां लिख के बता देती हूँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 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 डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश जी जी क्या आया, 0.063 प्लस 0.063, दैट इज 0.126, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा बट इन अ ट्विस्टेड वे, व्हाट वाज द ट्विस्ट, द ट्विस्ट वाज यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप की कंडीशन पॉसिबल है। अब आप देख रहे हो कितना सेम सा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, एब्सोल्यूट सिमिलर है दोनों क्वेश्चन, क्योंकि एब्सोल्यूट सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया, बस दिमाग में हमें ये रखना है कि कौन कौन सी पॉसिबल कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है भाई। चलिए अब कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कर ले, टफ वाले जो जिससे आपको डर लगता है, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपका सारा डर छूमंतर कर देंगे, ओके। सो टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, चलो शुगर है, रिप्लेसमेंट कर दिया मतलब वापस डाल दिया बॉल, ठीक है। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल्स, 10 ब्लैक बॉल्स, 8 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड,
पहला बॉल निकाला रेड निकला, दूसरा बॉल निकाला रेड निकला, हमें पता है कैसे निकालना है। प्रोबेबिलिटी दैट रेड इंटरसेक्शन रेड, पहला भी रेड दूसरा भी रेड, क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन रेड हैज हैपेंड, रेड जब रेड बॉल निकाल चुके हैं हम। सो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी देखो, टोटल कितने बॉल हैं? 18, 10 प्लस 8, 18। सो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हुई 8/18, 8 रेड बॉल है ना। अब अगेन दूसरा बॉल भी रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/18। क्यों? क्योंकि हमने तो रिप्लेस कर दिया था ना, जो बॉल निकाला था वो वापस डाल दिया था, तो टोटल भी उतना ही है, रेड बॉल भी उतना ही है। सो 8/18 इंटू 8/18, दैट्स योर आंसर, सिंपल। ठीक है, सो कैलकुलेट कर लो क्या होगा, 4 2 8 4 9, why are we dividing it by 4? Let's divide it by 2 first. So it is 2 4 is 8, 2 9 is 18, 2 4 is 8, 2 9 is 18, 4 4 is 16, 9 9 is 81. That's your answer. 16/81. Clear hai sabko? Next. First ball is black, second ball is red. Probability of B intersection R. यानी कि पहला बॉल ब्लैक निकले उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दूसरा बॉल रेड निकले, गिवन दैट ब्लैक बॉल निकल चुका है पहले, क्या होगा? ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 10/18, क्योंकि टोटल 10 ब्लैक बॉल्स हैं। रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18। क्या ब्लैक से उसे फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या रेड से उसे फर्क पड़ेगा? नहीं। अरे रिप्लेसमेंट बोल दिया है ना, तो किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, ना नंबर ऑफ रेड बॉल बदल रहे ना नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बदल रहे, क्योंकि वापस रिप्लेस कर दिया ना, तो कुछ बदला ही नहीं, सिचुएशन ही वही सेम टू सेम रह गई। तो जस्ट 2 5 10, 2 9 18, 2 4 8, 2 9 18, 5 4 20, 9 9 81, खत्म काम हमारा। ठीक है, तो 20/81 इज योर आंसर, डन है, डील डन। लास्ट वन, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड, बस ये आ गया ना, वही वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया फिर से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दिया है, और देखो जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया है वही बोर्ड एग्जाम में पूछता है, घुमा फिरा के। वन ऑफ देम इज ब्लैक, ये बोल दिया, यानी या तो पहला ब्लैक है दूसरा रेड है, या तो पहला रेड है दूसरा ब्लैक है, क्या करेंगे? दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन ब्लैक हैपेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हेन रेड हैपेंड। कोई बात नहीं, सेम चीज ही करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितनी है? ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है 10/18। रेड व्हेन ब्लैक हैज हैपेंड, इससे पहले ही कैलकुलेट किया था हमने, 8/18, ठीक है, 8/18 प्लस रेड की है 8/18 इनटू ब्लैक व्हेन रेड हैज हैपेंड, 10/18 ही रहेगा, क्योंकि वापस रिप्लेस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ब्लैक निकाल रहे हो रेड निकाल रहे हो, टोटल भी उतना ही है, ब्लैक भी उतने ही रेड भी उतने ही जितने थे। ठीक है, रिप्लेसमेंट ना आपका काम बहुत आसान बना देता है, इट्स लाइक आंख बंद करके सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना। ठीक है, सो This is what just now we have calculated, 10/18 into 8/18 is 20/81. So simply 20/81 plus 20/81. This is 40/81. That's your answer. Simple. इसलिए please बच्चों, जब भी इस type का question आए ना, सिर्फ P of B, P of R नहीं निकालना, दो अलग टाइप के सिचुएशन बनेंगे, दोनों निकालना, प्लीज याद रखना ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, वरना मुश्किल से शायद आधा मार्क्स देंगे आपको, टीचर काट देंगे बाकी मार्क्स, तो क्यों कटवाने मार्क्स, याद रखना इसको, नोट बना के रख लो अपने रफ कॉपी में कि ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव कंप्लीटेड टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दूसरा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। चलिए, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक बहुत ही बढ़िया सा माइंड मैप, जिससे आपका माइंड जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। सबसे पहले हमने सीखा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज के होने की संभावना, चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, जीरो यानी इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता,
वन याने श्योर इवेंट, 100% होगा, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, पी नॉट ई इज 1 माइनस पी ई. सिमिलरली पी ई नॉट गिवेन एफ इज 1 माइनस पी ई गिवेन एफ. सेम इसकी तरह है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवेन एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवेन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवेन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ. ये सेट्स वाला जो फॉर्मूला था अपना वही है ना, सेट्स वाला ही फॉर्मूला हमने दोबारा यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है. तो ये थी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 3 प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़े थे, याद है. नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के होने पर डिपेंड करता है. एक इवेंट जो हो चुका है उसके वजह से होने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी बदल जाती है, उसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के होने की संभावना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी जो हो चुका है, ठीक है. नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, अपने वो इवेंट्स मैंने बताया था जैसे आपको कि अगर ए हो रहा है तो बी हो ही नहीं सकता, बी हो रहा है तो ए हो ही नहीं सकता. कॉइन टॉस कर रहे हैं तो अगर हेड आया है तो टेल आ ही नहीं सकता, टेल आया है तो हेड नहीं आ सकता इन अ सिंगल टॉस. दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है. सो नाउ लास्टली जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी मेथड से, चाहे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, सबसे पहले आपको अपना सैंपल स्पेस लिखना होता है ना. जैसे मान लो बोल दे रहा है कि 3 बार कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो आपका सैंपल स्पेस क्या हुआ, टी 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 एच 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 टी टी एच एच टी टी, यानी हेड टेल टेल हेड हेड टेल हेड हेड हेड, तो पूरा सैंपल स्पेस लिख लिया. फिर एक ट्री डायग्राम बना लिया कि क्या क्या पॉसिबल है, कौन किससे इंटरलिंक्ड है, या फिर वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कुछ कॉमन है नहीं है, यूनिवर्सल है नहीं है, कौन किसके सैंपल स्पेस में आ रहा है, ठीक है. तो इस तरीके से आप एनालाइज करके बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हो किसी टिपिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं. ऑल राइट गाइस, सो यस दैट्स All that we had to learn today. अगले क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट. सो डोंट मिस आउट लेक्चर नंबर 2 एज वेल. एंड या लेट्स समराइज व्हाट डिड वी लर्न टुडे. आज हमने सीखा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी के टर्मिनोलॉजीज, इवेंट, एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैम्पल स्पेस. देन प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स, what are mutually exclusive events, what are exhaustive events, conditional probability, some properties of conditional probability and multiplication theorem. So yeah, if you liked today's session, don't forget to leave a comment below and hit the like button, and see you all tomorrow with lecture number 2. See ya, bye bye.